नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। जिंदगी हर एक पल बदलती है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, कब किसी की खुशियों को नजर लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ हुआ कुशीनगर में, जहां शादी की खुशियां मातम में बदल गई। एक झटके में शादी की रस्मों को निभाते निभाते 13 लोग काल के गाल में समा गए। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर कई बार सुर्खियों में आता है। आपको साल 2018 का वो हादसा याद होगा, जब रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूली बच्चों से भरी वैन ट्रेन से टकरा गई थी। इस हादसे में 13 बच्चों की मौत हो गई थी। तस्वीरों को देखकर इंसान ये सोचने पर विवश हो गया था कि उन परिवार का क्या होगा जो इस हादसे में अपने घर के चिराग को खो चुके हैं। खैर, अब तकरीबन 4 साल बाद एक बार फिर से कुशीनगर सुर्खियों में आया है, और इस बार भी एक ऐसे ही हादसे के चलते। जी हाँ, कल रात कुशीनगर से दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई। शादी की रस्में निभाई जा रही थी, हंसी खुशी के माहौल में सभी लोग पुराने रीति रिवाजों को निभा रहे थे, तभी अचानक से एक ऐसा हादसा हुआ कि 13 लोगों की जीवन लीला ही समाप्त हो गई। जिस किसी ने भी अंधेरे में मची चीख पुकार को सुना वो सहम उठा। मामला कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया का है। नौरंगिया गांव के स्कूल टोला के रहने वाले परमेश्वर कुशवाहा के बेटे अमित कुशवाहा की शादी थी। शादी से पहले बुधवार देर रात हल्दी की रस्म अदा की जा रही थी। इस रस्म को गांव की भाषा में मटकोड़वा कहा जाता है। घर से करीब 100 मीटर दूर कुएं के सामने ये रस्म निभाई जा रही थी। जिस कुएं के पास कार्यक्रम चल रहा था उसे RCB स्लैब बनाकर बंद किया गया था। रस्म के दौरान बड़ी संख्या में महिला, युवती व बच्चियां कुएं पर बने स्लैब पर जाकर खड़े हो गए। अचानक स्लैब टूट गया और उस पर खड़ी महिला, युवतियां व बच्चियां कुएं में समा गई। कुआं गहरा था और पानी भी भरा था। चारों ओर चीख पुकार मच गई। शादी की खुशियों का माहौल मौत के मंजर के दर्द में बदल गया। आनन फानन में पुलिस आई और पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया। टॉर्च की रोशनी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन को भी पूरा करने में करीब 1.5 घंटे लग गए, और इस 1.5 घंटे में लोगों की जिंदगी बचने की उम्मीद भी कम होती गई। घायलों को अस्पताल लाया गया। अस्पताल में इतनी बड़ी संख्या में शव और घायलों को देखकर हाहाकार मच गया। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे पर कुशीनगर में मातम छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है। बता दें कि PM मोदी ने मृतकों के परिवार को मुआवजा देने का ऐलान किया है। PM मोदी ने परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हर संभव मदद का ऐलान करते हुए इस हादसे पर दुख जताया है। फिलहाल आपको बता दें कि कल रात हुए इस हादसे के बाद से ही कुशीनगर में भय का माहौल है। गांव के कई पुरुष गांव छोड़कर जा चुके हैं। इस हादसे ने एक बार फिर से कुशीनगर में मातम ला दिया है। 2018 के बाद 2022 में एक बार फिर हादसा हुआ, और इस बार भी 13 लोगों की ही मौत हुई है। इस हादसे ने एक परिवार की शादी की खुशियों को पलक झपकते ही मातम में बदल दिया है।